Hi students, I am Ishpak sir. Today our topic is exercise 4.4, question number 1. Our question number 1 is divide. Students, यहाँ पर हमारा जो part number A है, that is 44 को हमें 91 को हमें divide करना है 44 के साथ. सबसे पहले हम 44 का टेबल पढ़ेंगे. 44 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 44 एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 88. नाउ 91 माइनस 88 दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 3. सो दिस 3 इज आवर रिमाइंडर. दिस स्टूडेंट्स इस 44 को हम कहते हैं दिस इज द डिवाइजर. And this 91 is the dividend, and this 2 is quotient, and this 3 is remainder. यहाँ पर मैंने इस पार्ट को किया है. इसी तरह से अब हमारे पास है पार्ट नंबर बी. पार्ट नंबर बी इज यू हैव टू डिवाइड 312. दिस इज अवर डिविडेंट. अवर डिवाइजर इज 23. नाउ सबसे पहले हम इस 31 को जोड़ देंगे. 23 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 23 एंड 31 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 8. हियर दिस 2 कम्स डाउन लाइक दिस. तो 23 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 69. 82 माइनस 69 दैट इज इक्वल टू 13. दिस 13 इज अवर रिमाइंडर. तो यहाँ पर हम इस 23 को कहते हैं दिस इज आवर डिवाइजर एंड दिस 312 इज आवर डिविडेंट. दिस 13 इज आवर क्वोशंट एंड दिस 13 इज आवर रिमाइंडर. स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर सी है. आवर पार्ट नंबर सी इज 458. इसको हमें डिवाइड करना है 28 के साथ. सबसे पहले मैं अगेन इस 45 को लूँगा जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से सिंबलाइज किया है. 28 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल 28. 45 मल्टीप्लाई बाई 28 दैट इज इक्वल टू 17. नाउ दिस 8 कम्स डाउन हियर. तो 28 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट इज इक्वल टू 168. तो 178 माइनस 168 आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 10. दिस 10 इज द रिमाइंडर एंड दिस 16 इज द क्वोशंट. दिस 28 इज द डिवाइजर एंड दिस 425 इज द डिविडेंड. तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे यहाँ पे प्रूव किया है. अच्छे से मैंने आपको एरो करके बताया हुआ है. तो दिस इज आवर पार्ट नंबर सी. अब स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर ई. और पार्ट नंबर इज हमारे पास एक नंबर है 362. इसको हमें डिवाइड करना है 31 के साथ. लेट्स टेक फर्स्ट टू नंबर्स दैट 36. 31 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 36. सॉरी 31 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 31. नाउ 36 माइनस 31 दैट इज इक्वल टू 5. दिस 2 कम्स डाउन. तो 31 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है हमें. 31 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमें आता है 62 विच इज़ ग्रेटर देन 52. नाउ अगेन 31 मल्टीप्लाई बाई 31 दैट इज इक्वल टू 31 एंड 52 माइनस 31 दैट इज इक्वल 21. नाउ दिस 21 इज आवर रिमाइंडर एंड दिस 11 इज आवर क्वोशंट. नाउ कम टू पार्ट नंबर एफ. अब हम पार्ट नंबर एफ पे आएंगे. आवर पार्ट नंबर एफ इज 352. इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 32 के साथ. ना 32 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 32. 35 माइनस 32 आवर रिमाइंडर इज 3. नाउ दिस 2 कम्स डाउन. 32 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 32 एंड 32 माइनस 32 इज 0. नाउ दिस 11 इज आवर क्वोशंट एंड दिस 0 इज आवर रिमाइंडर.